भोपाल में शमशान घाटों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए अंतिम संस्कारों का सर्वदलीय कमेटी द्वारा ऑडिट कराया जाए और सरकार के आंकड़ों से मिलान किया जाए, यह बात कांग्रेस के अजय सिंह यादव ने कही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के आंकड़े छुपाने के लिए और कोरोना से हुई मौतों को छुपाने के लिए जिस तरह से हेराफेरी करी, राजनीति करी, वो सबके सामने प्रमाणित है। किस तरह से राजधानी भोपाल में प्रत्येक दिन शमशान घाट में 100 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए और सरकार के आंकड़े में 4-5 से ज़्यादा संख्या कभी नहीं हो पाई। उसके बाद हमारे नेता कमलनाथ जी ने जब इस मुद्दे को उठाया ताकि ऐसे लोगों को जिनके परिजनों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिल सके, तो सरकार के जुड़े हुए जिम्मेदार नेता मंत्री इस मामले में राजनीति करने में जुट गए। हमारी सरकार से मांग है कि भोपाल राजधानी एवं प्रदेश के तमाम जिलों के शमशान घाटों के ऑडिट करवाए जाएं, सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए जो शमशान घाटों में हुई कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कारों का ऑडिट करे और सरकार के आंकड़ों को उन ऑडिट से मिलान किया जाए तो सरकार की कलई खुल जाएगी। ये शर्मनाक बर्ताव है, मध्य प्रदेश की जनता को भी नहीं बचा सके और अब जनता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।